नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उनके सचना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मंड्या में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। राहुल ने कंधे पर हाथ रखकर के मां का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा में मौजूद महिला नेताओं ने सोनिया गांधी का हाथ भी थाम लिया। करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद राहुल ने सोनिया को वापस कार में भेज दिया। सोनिया एक महीना पहले ही कोरोना से उभरी है। अभी सोनिया का स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। कर्नाटक से सोनिया गांधी का गहरा संबंध है और जब कभी गांधी परिवार पर राजनीतिक संकट आया है तब दक्षिण भारत ने उसे मुश्किल से उबारा है। भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दक्षिण भारत की सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। शिखर धवन की कप्तानी में भारत बेहद कम अनुभवी बी टीम के साथ उतरेगा। इंडिया के ज्यादातर खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे हैं, लिहाजा इस सीरीज में युवाओं को मौका दिया जा रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलने उतरेगा। दशहरा महापर्व पर राजस्थान में बुधवार को जगह जगह पर रावण दहन किया गया। कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेला लगा जिसमें रिमोट से 75 फीट ऊंचा रावण को जलाया गया। जयपुर के विद्याधर नगर में प्रदेश का सबसे बड़ा 120 फीट का रावण बना। देर रात करीब 11 बजे यहां रावण को जलाया गया तो वहीं जोधपुर में रावण दहन देखने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे। श्री चारभुजा सेवा समिति के तत्वावधान में बुधवार को शाम को दशहरा मैदान में रावण के 70 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया गया। कोरोना के 2 साल बाद आयोजित हुए दशहरा महोत्सव के प्रति लोगों में काफी उत्साह था। परंपरा के अनुसार मकराना के राजशाही परिवार से कुंवर सूर्यवीर सिंह चौहान ने शाम 6:15 बजे बंदूक से गोली दागकर के पुतले पर फायर किया। वहीं राम का रूप धरे एक बालक ने पुतले पर तीर चलाकर के रावण का वध किया। इसके साथ ही रंग बिरंगी आतिशबाजी के साथ रावण का पुतला धूं धूं करके जल उठा। सुप्रभात, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बताइए, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।